है बाइक लेने के फिराक में है, काफी खतरे वाला सीन है ये। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी हम ईस्ट कॉलोनी रेलवे अस्पताल के पीछे टिकिया पाड़ा आए हुए हैं। यहाँ कुंदन कुमार का रेलवे क्वार्टर है और यहाँ दोस्तों एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है। घर के अंदर फ्रिज के नीचे सबसे जहरीला सांप, एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर आ गया है घर के अंदर इनके। तो चलकर रेस्क्यू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पहले हम सांप को देखते हैं, दिखाते हैं आपको कितना खतरनाक। देख सकते हैं यहाँ जो है रसल वाइपर सांप, एशिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है बैठा हुआ छिपके। तो और मीडियम साइज का स्नेक है दोस्तों। तो ये जो है साथियों ये एशिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। और गर्मियां आ गई है और आप देख सकते हैं कमरे में कितना अंदर तक यह आ गया है। तो अगर जो है कमरे में लोग उठते बैठते हैं, आना जाना करते हैं, कॉर्नर वगैरह में यदि हाथ डाल देंगे तो बहुत मुमकिन है कि स्नेक बाइट हो सकती है। और इतना जहरीला सांप काटने के बाद क्या है कि लोगों को तुरंत पता नहीं चलता है कि उन्हें करना क्या है, इस वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्टिक देखो जरा सा। तो साथियों कोशिश करते हैं इसे हम लोग निकालने की। और देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इसने अभी बाइट लेना चाहिए, इसका मतलब सांप काफी अग्रेसिव है और बहुत अग्रेसिव है दोस्तों। इसे काफी चतुराई और सावधानी से हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो इसे बहुत सावधानी से निकाल रहे हैं हम, देख सकते हैं ये दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी ओर से यह निकल रहा है। मैं निकाल रहा हूँ इसका। तो दोस्तों काफी रिस्की सीन है, लीजिए बढ़िया से थोड़ा नजदीक आके लीजिए, अच्छा से पूछ पकड़ने वाले हैं इसका। तुरंत खींच लिया। तो काफी गुस्से में है यह और बार बार बाइट ले रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना कैमरा में, देख सकते। देख सकते हैं बार बार यह सांप बाइट लेने की कोशिश कर रहा है, काफी गुस्से में है यह सांप। तो यही है यह रसल वाइपर सांप। तो इसे हम लोग निकालते हैं। देख सकते हैं काफी अग्रेसिव हो रहा है यह सांप और निकलना नहीं चाह रहा है, है क्या? कॉर्नर में इसे छिपने की जगह मिल गई है और यह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है दोस्तों। तो और ऐसी जगह है कि काफी छोटा सा जगह है और रसल वाइपर को ज्यादा एग्रेसिव करना सही बात नहीं है, बहुत गुस्सा सांप होता है यह। लाइट भी दिखाते रहिए बराबर, हाँ कैमरा से भी लीजिए, लाइट भी दिखाते रहिए। लाइट दिखाइए बराबर, लाइट दिखाइए एकदम दिखा रहा, लाइट दिखाने में कमी नहीं करिएगा। तो दोस्तों काफी रिस्की सिचुएशन है यह रसल वाइपर सांप,
हट जा। तो इसे हम लोग काफी सावधानी से रेस्क्यू करते हैं। देख सकते हैं कितना गुस्सा है इसके अंदर। इसे हम लोग बहुत प्यार से अंदर करते हैं डब्बे में। हाँ काफी अग्रेसिव हो गया। आइए घुसे घर में। हाँ इधर आइए। नहीं घुसा नहीं घुसा नहीं। दिखाते रहिए बराबर। तो दोस्तों मीडियम साइज का रसल वाइपर काफी खतरनाक है। अच्छा गेट खोले ना। हाँ मोबाइल वाले का देख सकते हैं बहुत एग्रेसिव हो गया है। इसको रेस्क्यू करना एक चैलेंज है दोस्तों। इधर डिब्बा घुसाइए भैया। ओके ओके आप लोग हटाइए। इसको बहुत सावधानी से पकड़ना होगा। इसका मुंह इधर है दोस्तों। तो हम लोग इसे काफी अच्छी तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। जाते हैं डिब्बे में। आ जाए सावधानी पूर्वक। अभी क्या है ये हीटर के पास आके बैठ गया है। हट जाइए भैया छिटकता। हट जाइए छिटकता ऐसा पूरा। तू क्या रहा सांप जो है पूरा जोर जोर से सीटी मार रहा है दोस्तों। गुस्सा दिखा रहा है अपना और बाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है सांप। अब यह जो है बिल्कुल हमले वाली पोजीशन में बैठ चुका है। दोस्तों ये रसल वाइपर सांप को रेस्क्यू करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि यह बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है और बाइट लेने के लिए बहुत गुस्सा में है। अब क्या है ये डब्बे में जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों काफी मेहनत लगी हमें इसे रेस्क्यू करने में। और अब क्या है ये सांप पूरी तरह से डब्बे में जा चुका है। देख सकते हैं ये रसल वाइपर सांप है। अब क्या है यह डब्बे के अंदर पैक हो चुका है दोस्तों। और गुस्सा कितना है आप देख सकते हैं इसका गुस्सा किस लेवल का है। अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है यह सांप दोस्तों। और सिर्फ बाइट लेने के चक्कर में है। बाइट लेने के फिराक में है। काफी खतरे वाला सीन है यह। तो चलिए सब हम लोग पैक करते हैं। इससे पहले कि यह हमें बाइट ले या और अग्रेसिव। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है और इसे रेस्क्यू करने में हमें काफ़ी मेहनत लगी। सांप ने कई बार हमला करने की कोशिश भी की। तो दोस्तों हम हमेशा बताते हैं अपने वीडियो में ये जो है एक सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। ऐसा सांप यदि आपको बाइट करता है तो आपको बांधना नहीं चाहिए। आमतौर पर स्नेक बाइट के बाद लोग बांधते हैं लेकिन ये इस सांप में यदि आप बांधेंगे तो आपका वो बॉडी पार्ट बेकार हो जाएगा। हो सकता है हॉस्पिटल जाने से पहले ही आपकी मौत हो जाए। तो कभी भी अगर रसल वाइपर या कोई भी वाइपर स्नेक काटे या बाइट करे तो आपको बांधना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार। जय हिंद जय भारत। आवाज कर।